उपकारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर ने अचरज तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निशदिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुनिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा कृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। नमो 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 तुझे, नमो 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 अम्बे, नमो नमो। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कर हु कृपा जगदम्ब भवानी। जगदम्बा के एक अवतार की बात बताते हैं, हम एक बात बताते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी के रूप में माँ दुर्गा का दर्श कराते हैं, मंगल दर्श कराते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सभी देवता असुरों से हारे, भटक रहे थे त्रिभुवन में सारे मारे मारे। त्रिभुवन में मारे मारे इंद्र देव को तब माता के वचन याद आए। महिषासुर वध पर जो दिया था उनको दोहराए, उनको दोहराए। इंद्र देव बोले जगदम्बा वचन निभाएंगी, कष्ट हमारे हरने माता अवश्य आएंगी, माता अवश्य आएंगी। सबने मिलकर आदिशक्ति माँ का आह्वान किया, तब माता ने होके प्रकट उनको वरदान दिया, उनको वरदान दिया। सभी देव माँ जगदम्बा को शीश झुकाते हैं, माँ का गुण यश गाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
माँ के आश्वासन से देव सभी निश्चिंत हुए। करके माँ को प्रणाम सब अपने धाम को लौट गए, अपने धाम को लौट गए। माँ ने खल दुष्टों असुरों दैत्यों को दंड दिया, देवों साधु संतों भक्तों का दुख दूर किया, भक्तों का दुख दूर किया। वही आदिशक्ति जगदम्बा तीन रूप धरती, सरस्वती लक्ष्मी काली जग संचालन करती, जग संचालन करती। इन्हीं तीन शक्तियों ने मिल कन्या का रूप लिया, धरती लोक सहित तीनों लोकों को धन्य किया, लोकों को धन्य किया। माँ के कन्या रूप को त्रिभुवन शीश झुकाते हैं, त्रिभुवन शीश झुकाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता के एक परम भक्त थे श्रीधर जिनका नाम, माता को अर्पित था उनके जीवन का हर काम, उनके जीवन का हर काम। सुमिरन चिंतन ध्यान भजन में बस माता माता, श्रीधर के तन मन जीवन में बस माता माता, बस माता माता। दिन श्रीधर कहीं जा रहे थे एक जंगल से, एक आवाज सुनी जो निकली थी किसी पायल से, निकली थी किसी पायल से। पायल की मीठी पावन झनकार सुनाई दे, पर श्रीधर को कोई भी ना वहाँ दिखाई दे, वहाँ दिखाई दे। वैष्णो माँ की लीला श्रीधर समझ न पाते हैं, कुछ भी समझ न पाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हाथ जोड़कर श्रीधर ने माता को प्रणाम किया, कन्या रूप में तब माता ने उनको दर्श दिया, उनको दर्श दिया। गदगद होकर श्रीधर बोले धन्य हुआ मैया, अब तो भवसागर से तर ही जाएगी नैया, तर ही जाएगी नैया। माता बोली श्रीधर तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, अब घर जाकर वही करो जो तुमसे बोलूँ मैं, जो तुमसे बोलूँ मैं। अपने बंधु बांधव और सौ ब्राह्मण बुलवाओ, ब्रह्म भोज अपने घर पर तुम श्रीधर करवाओ, तुम श्रीधर करवाओ। माँ की आज्ञा श्रीधर सादर शीश चढ़ाते हैं, सादर शीश चढ़ाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
माँ तो अंतर्धान हो गई ये आज्ञा देकर। ब्रह्म भोज कैसे होगा ये सोच रहे श्रीधर, ये सोच रहे श्रीधर। दो जन का दो समय का भोजन जुटा नहीं पाते, श्रीधर पत्नी सहित कभी भूखे ही सो जाते, भूखे ही सो जाते। ब्रह्म भोज ये दरिद्र ब्राह्मण कैसे कराएगा, सौ सौ लोगों का भोजन ये कहाँ से लाएगा, ये कहाँ से लाएगा। पर माता की आज्ञा को श्रीधर ने मान लिया, माता के विश्वास पे ब्रह्म भोज को ठान लिया, ब्रह्म भोज को ठान लिया। श्रीधर बंधु बांधव और ब्राह्मण को बुलाते हैं, सौ ब्राह्मण को बुलाते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ जी को बुलाया था, साथ ही उनका चेला भैरवनाथ भी आया था, भैरवनाथ भी आया था। भैरवनाथ बड़ा ही तपस्वी ज्ञानी ध्यानी था, पर व्यवहार में बड़ा अहंकारी अभिमानी था, अहंकारी अभिमानी था। ब्राह्मण सब हो गए इकट्ठे पर कुछ भोग न था, और कहीं से कुछ मिलने का कोई योग न था, कोई योग न था। श्रीधर को विश्वास है माता अवश्य आएंगी, और वही संपन्न ये ब्राह्मण भोज कराएंगी, ब्राह्मण भोज कराएंगी। हाथ जोड़ के शीश झुका के माँ को मनाते हैं, श्रीधर माँ को मनाते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुखी हो जो ही विनती श्रीधर ने सुनाई, कन्या रूप में प्रकट हो गई जगदम्बा माई, जगदम्बा माई। बोली तुम चिंता ना करो सब कुछ हो जाएगा, हर ब्राह्मण अपना मन चाहा भोजन पाएगा, मन चाहा भोजन पाएगा। प्रकट हो गई भोजन से भर के अनगिन थाली, स्वास्थ्य तन को और मन को संतुष्टि देने वाली, संतुष्टि देने वाली। श्रीधर का भंडार भर गया सुख समृद्धि आई, जप तप और संतोष का फल दिया यू महामाई, फल दिया यू महामाई। श्रीधर पत्नी सहित सुखी संतुष्ट हो जाते हैं, माँ का गुण यश गाते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
ब्राह्मण तो संतुष्ट हो गए पर भैरव ना हुआ। कन्या रूपी जगदम्बा से वो यूं बोल पड़ा, वो यूं बोल पड़ा, मैं ये 56 भोग मिठाई मेवा न खाऊंगा, मदिरा मांसाहार से ही मैं भूख मिटाऊंगा, मैं भूख मिटाऊंगा। माँ बोली ये वैष्णव ब्राह्मण भोज है भैरवनाथ, सात्विक भोजन करो शांति और शिष्टाचार के साथ, शिष्टाचार के साथ। अहंकार में डूबा भैरवनाथ न कुछ माना, उसने पकड़ा हाथ तो माँ हो गई अंतर्धाना, माँ हो गई अंतर्धाना। भैरव को गुरु गोरखनाथ जी फिर समझाते हैं, धर्म की बात बताते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। के चल जाने पर भैरव पीछे पीछे चला, धरती क्या नभ में भी माँ के पीछे पीछे उड़ा, माँ के पीछे पीछे उड़ा। उड़ते उड़ते जाके हिमालय पर पहुंची माता, मुड़कर पीछे देखा तो भैरव भी था आता, वही हिमालय की चोटी पर बैठे थे हनुमान, लांगुर वीर परम बलशाली बुद्धिमान बलवान, बुद्धिमान बलवान। माँ बोली तुम पहरा दो मैं अंदर जाती हूँ, इस अभिमानी भैरव नाथ से पिंड छुड़ाती हूँ, पिंड छुड़ाती हूँ। कर प्रणाम हनुमान जी पहरे पर डट जाते हैं, पहरे पर डट जाते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता ने फिर वही त्रिशूल से गुफा बनाई है, और गुफा में जाकर ध्यान समाधि लगाई है, ध्यान समाधि लगाई है। पीछे पीछे भैरवनाथ भी आगे पहुंचा, वहां हनुमत से पूछा वो मायावी कन्या है कहां, मायावी कन्या है कहां। जब हनुमान ने उससे कारण और परिचय पूछा, क्रोधित भैरव काल के जैसा हनुमत पर टूटा, हनुमत पर टूटा। भैरवनाथ और हनुमत में हुआ युद्ध भारी, दोनों ही योद्धा बलधारी बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। एक दूजे से दोनों युद्ध में जीत न पाते हैं, युद्ध में जीत न पाते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
गुफा में कन्या बन के गई थी जगदम्बा माई। पर बाहर माँ वैष्णो अर्ध कुमारी बन आई, अर्ध कुमारी बन आई। भैरव को समझाना चाहा पर वो ना समझा, अहंकार और काल का मारा माता से उलझा, माता से उलझा। तब माता ने त्रिशूल चला उसका सिर काट दिया, पाप किया था फिर भी माता ने उद्धार किया, माता ने उद्धार किया। यहीं पे फिर माता ने बाण गंगा प्रगटाई है, जिसके जल से बजरंगी ने प्यास बुझाई है, प्यास बुझाई है। हनुमत संग सब देवी देव जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय जय वैष्णो माता, जय जय वैष्णो माता, जय जय वैष्णो माता, जय जय वैष्णो माता। माँ जगदम्बा के एक अवतार की बात बताते हैं, हम एक बात बताते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंड के रूप में माँ दुर्गा का दर्श कराते हैं, मंगल दर्श कराते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भूर्भुवः स्वः।
जय 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 महारानी।
में खड़ गए
उद्धार अनेको रूप ही रक्षा करियो मान तेरी कृपा से ही मां चमन का है कल
एक और उपकार करो। इतना दिया है तुमने माँ, अब एक और उपकार करो। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ, मैं शरण अपना स्वीकार करो। इतना दिया है तुमने माँ, अब एक और उपकार करो। सदा ही रखा है मुझे अपने आंचल की छाया में, हर पग ही संभाला है मुझको जीवन में जब घबराया मैं। तुमने सदा ही रखा है मुझे अपने आंचल की छाया में, हर पग ही संभाला है मुझको जीवन में जब घबराया मैं। हर सांस तुम्हारी ऋणी है माँ, हर सांस तुम्हारी ऋणी है माँ, अब ये जीवन उद्धार करो। अब एक और उपकार करो। इतना दिया है तुमने माँ, अब एक और उपकार करो। मुझको तुम्हारे चरणों में बस थोड़ी सी जगह मिल जाए, पुत्र तुम्हारा इसके सिवा वरदान कोई भी ना चाहे। मुझको तुम्हारे चरणों में बस थोड़ी सी जगह मिल जाए, पुत्र तुम्हारा इसके सिवा वरदान कोई भी ना चाहे। इस दुनिया में सब कुछ मिला मुझे, इस दुनिया में सब कुछ मिला मुझे, अब भव सागर से पार करो। इतना दिया है तुमने माँ, अब एक और उपकार करो। इतना दिया है तुमने माँ, अब एक और उपकार करो। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया, कुछ ना मांगा तुमसे पर अम्बे माँ तुमने जान लिया। पूरी मेरी हर आस हुई जब मैंने तुम्हारा
से पर अम्बे माँ तुमने जान लिया। बिन मांगे झोली भरी मेरी, बिन मांगे झोली भरी मेरी, अब स्वप्न मेरा साकार करो। इतना दिया है तुमने माँ, अब एक और उपकार करो। इतना दिया है तुमने माँ, अब एक और उपकार करो। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ, मुझे दास अपना स्वीकार करो। मैया खोल दे नैना, तेरे दरबार आया हूँ। मैया खोल दे नैना, तेरे दरबार आया हूँ। ओ मैया खोल दे नैना, तेरे दरबार आया हूँ। मैया खोल दे नैना, तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना, तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना, तेरे दरबार आया हूँ। सुना है तेरे चरणों में सवाली रोज आते हैं, मुरादे मन की कर पूरी, यहाँ से लोग जाते हैं। हाँ सुना है तेरे चरणों में सवाली रोज आते हैं, मुरादे मन की कर पूरी, यहाँ से लोग जाते हैं। मैं तुझ पे मान के अपना ये अधिकार आया हूँ। मैं तुझ पे मान के अपना ये अधिकार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना, तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना, तेरे दरबार आया हूँ। कभी माया के घेरे में तेरा सुमिरन न कर पाया, खुली है अब मेरी आंखें, लगे ये मन भी घबराया। कभी माया के घेरे में तेरा सुमिरन न कर पाया, खुली है अब मेरी आंखें, लगे ये मन भी घबराया। तेरी सेवा में तज के मैं घर बार आया हूँ। तेरी सेवा में तज के मैं घर बार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना, तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना, तेरे दर...
दरबार आया हूँ। तेरे आंचल की छाया में मेरा जीवन गुजर जाए, मिले जो तेरी ममता तो कोई अब और क्या चाहे। ओ, तेरे आंचल की छाया में मेरा जीवन गुजर जाए, मिले जो तेरी ममता तो कोई अब और क्या चाहे। मैं करने पूरा ये सपना अब की बार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ।